कुछ परिस्थितियां चेंज हो गई और क्यों सर गजेंद्र सिंह जी को 2003 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी का जब टिकट लेके आए थे, जाट समाज के अंदर सबसे पहले उनकी गाड़ी को बैठा करके और सब लोगों का पूरे समाज का मन जीत करके और उनको यहाँ से निकाला, सीआर साहब को ले लिया, ज्योति जी को ले लिया, हमने पार्टी के साथ में कभी गद्दारी नहीं की। भागीरथ जी टूटी हमारे साथ में और भागीरथ जी आपका एक बयान चल रहा है जबरदस्त कि इस बार पार्टी टिकट नहीं देगी तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, क्या कहेंगे? मैं खेमसर की जनता से जो जनता का आदेश होगा वो मैं जरूर करूंगा। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मेरा परिवार 27-28 साल से भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा हुआ परिवार है और यहाँ पे पुराने जो लोग हैं आप उनसे पूछो, जब भारतीय जनता पार्टी में यहाँ कोई झंडा उठाने वाला नहीं होता, कोई टेंट का पैसा देने वाला नहीं होता, जो कोई खर्चा करने वाला नहीं होता, उस समय मेरे बड़े भाई साहब स्वर्गीय भवराम जी डूडी साहब को, ये अपने चांडक साहब शंकर जी, ये सब लोग बताते हैं उस समय बोले भंवर जी वो सब काम करते थे। और आज कुछ परिस्थितियाँ चेंज हो गई और क्यों सर गजेंद्र सिंह जी को 2003 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी का जब टिकट लेके आए थे, जाट समाज के अंदर सबसे पहले उनकी गाड़ी को बैठा करके और सब लोगों का पूरे समाज का मन जीत करके और उनको यहाँ से निकाला, सीआर साहब को ले लिया, ज्योति जी को ले लिया, हमने पार्टी के साथ में कभी गद्दारी नहीं की और न हम गद्दारी, हमारा परिवार गद्दारी करना जानता है। और यदि अब इसी और चलो ये भी कोई बात, टिकट भी साइड बात है, ये हमारी अनदेखी कर रहे हैं और इस अनदेखी का हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और यही गौड़ा यही मैदान यदि पार्टी अपनी भाई ढंग से, आप तो खुला कह रहे हो कि इस बार टिकट नहीं देंगे तो बगावत करेंगे, बिल्कुल 100% किसी को तो कोई डरता होगा, मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं खेमसर की जनता मेरे साथ रहेगी तो मैं खेमसर की जनता को पूछ के काम करूंगा, क्योंकि अब आखिर लास्ट आ चुका है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि रेवंत राम जी डांगा तो केवल 2000 वोटों से रहे हैं और एक बार इनको और मौका दे दे तो हो सकता है ये सीट निकल जाए, 2021 या जो भी बात है ना वो हम लोगों की मेहनत है, पुराने कार्यकर्ताओं की, वो तो आरएलपी के कैंडिडेट थे, एन मौका पे आए और सब लोगों ने मिलकर के डांगा साहब के साथ में और सब ने हमारा परचम फैलाने के लिए बहुत दिन रात एक किया, इसलिए हम 2021 से हमें बड़ी दुख है इस बात का कि हम 2021 से पीछे रह गए, वरना जो तैयारियां थी और उस हिसाब से हमारी सीट ये निकलनी थी। आरएलपी छोड़ के आए और टिकट दे दिया तो इसे आप संतुष्ट नहीं थे? देखो संतुष्ट हम जब होते कि हम सब कार्यकर्ता को एक बार बैठा करके सबकी एक साथ मीटिंग लेते, हमारा मन जीतते, तब हमारे बात होती। आज हमें जब यहाँ भी इस तरीके की बात हुई कि हम बैठे हैं कि मंदिर के अंदर सौगंध निकालो, हम साहब सौगंध झूठी नहीं निकाल सकते, किसकी निकालें, वोट देने की या खड़े होने की? देखो बात है कि तुम जो है एक साथ होने की, हमारे को सब कार्यकर्ता को एक साथ पूछिए और उसके बाद में मन जीतिए और जब वो कहें कि भाई ये हमारा एक कैंडिडेट है, ऐसे आप ऊपर से किसी को ठोपोगे और मंदिर में सौगंध निकालोगे हम नहीं निकालेंगे। तो आपकी क्या रणनीति, आपके साथ में पार्टी क्या करे तब आप बगावत नहीं करेंगे, नहीं तो आप तो पहले पार्टी पार्टी हमारे ये है कि जो भी कार्यकर्ता है उन सब कार्यकर्ता के साथ बैठ करके उनके योग्यता के अकॉर्डिंग टू आप टिकट दीजिए, हम पार्टी के साथ है, कमल के फूल के साथ है, पहले भी साथ में थे, आज भी साथ है और हमेशा साथ रहेंगे। आपका शुभ नाम और आप पहले किन किन पदों के ऊपर रहे हैं? पद मेरे पास में तो कोई नहीं रहा, मेरे बड़े भाई साहब सक्रिय थे, मैं तो 3.5-4 साल से, मैं भागीरथ डूडी मेरा नाम है और जो भी इस एरिया के अंदर गरीब जन मतलब किसी के चाहे हॉस्पिटल का काम हो, चाहे बच्चों के एजुकेशन संबंधी हो, इस तरीके का मैं मेरा भामाशाह के रूप में काम करता हूं और मैं ये काम हमेशा जारी रखूंगा। पार्टी का टिकट पार्टी के खुद के जो है बड़े लीडरों के हाथ में है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा।